नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि सिंह और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं, उसी में से एक है पीसीओडी। पीसीओडी को लेकर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, कुछ लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, PCOMD भी बोलते हैं इसको, तो बहुत सारी डिजीज़ इसको मतलब बहुत सारी क्या होता है कि एक तरह का सिंड्रोम है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षणों का समूह जो होता है उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एक तरह का सिंड्रोम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि बहुत सारे लक्षण एक साथ होते हैं। तो सबसे पहले ये बात बता दूं कि इस बीमारी का कोई ऐसा नहीं कि मम्मी को थी, उसको थी, उसको हो जाएगी। जो सबसे बड़ा कारण है इसका, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा पीरियड अभी क्यों आ गया, इसको तब नहीं आ सकता था, ये तो डिले करने की दवाई कभी खा रहे हैं, कभी एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे हैं, कभी इसकी टेंशन, कभी उसकी टेंशन, हर चीज़। आज हम लैपटॉप के युग में ना, हम सोचते हैं एंटर करें और हो जाए और डिलीट करें और चली जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो ये सब बहुत बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं, आपके सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, हर चीज़ इतनी इरेटिक इरेगुलर हो गई है कि ये जो ब्रेन है ना, ये भी बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये पीसीओडी की हो रही है। तो सबसे आसान और सबसे सही तरीका कि पहले अपने दिमाग से स्ट्रेस निकाल दीजिए कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। नहीं, ये सोचने से बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको सोचना बंद कीजिए और नॉर्मलाइज रखिए। पीसीओडी बहुत सारी तरह की होती है, जो नॉर्मली माइल्ड टाइप की होती है, जिसमें कि क्योंकि इसमें ना एक सिम्टम्स देखते हैं कि 3 major symptoms, 2 minor symptoms ये वाले आए कि नहीं आए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हर चीज़ को पीसीओडी में काउंट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है, डॉक्टर से मिलिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, अपना हार्मोनल प्रोफाइल कराइए, और बहुत सारी बार समय से दवाई खाने से, स्ट्रेस फ्री होने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि पीसीओडी का क्या, आप हमें कभी बच्चा नहीं ठहरेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। मैं खुद पीसीओडी की पेशेंट रही हूँ, मेडिकल में बहुत स्ट्रेस झेला, तो शायद उसकी वजह से मुझे भी हुआ, और मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस लेवल से ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता, ज़िंदगी भर चलेगा। अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या होता है, नॉर्मली कि वेट बढ़ जाता है, मुहासे निकलते हैं, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, पीरियड्स डिले या बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी 6-6 महीने तक नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो बहुत लंबे चलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम इसके साथ होते हैं। इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, कभी कभी ये डायबिटीज़ को प्रोन के लिए भी प्रोन हो जाते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उन और ऊपर से पीसीओडी हो जाए तो डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि सारा कुछ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योगा करना, खूब सारा पानी पीना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इन सारी चीज़ों से भी हम प्राइमरी लेवल पे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी साल में अगर एक बार पीरियड थोड़ा बहुत इरेगुलर हो भी गया तो उसके लिए रातों की नींद मत उड़ाइए। ऐसा सबके साथ हो जाता है, हमारे आपके साथ सबके साथ होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पीरियड बार बार ऐसा कर रहे हैं, मतलब अभी 3 महीने भी रेगुलर नहीं होता, उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाती है, इसका मतलब ये इरेगुलर है, तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। और इस पीसीओडी के नाम से डरिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए, आप उस डॉक्टर आपको समझा देगा कि ये ठीक हो सकता है। कुछ महीने दवाई खाने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इस पे सिर्फ स्ट्रेस लेते रहेंगे, घर बैठ के सिर्फ सोचते रहेंगे, तो ज़रूर ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर से मिलिए, अपनी जगह से उठिए, डॉक्टर के पास जाइए, समझिए, और अपने लाइफस्टाइल में ढूंढिए कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर सकते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर से नहीं मिलना है, डॉक्टर से मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन खुद पे काम करना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसलिए ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराते रहेगा। कभी कभी पीसीओडी के साथ थायराइड भी साथ में एसोसिएट हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट एक छोटी सी गोली खानी होती है, कुछ भी नहीं है, और भी ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर ही खानी पड़े, धीरे धीरे डोजेज भी कम हो जाती हैं, जितना खुश रहेंगे उतना जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।